नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। बड़ी खबर है रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत, जहां देवरा नई दिल्ली गांव में आदिवासियों के झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाने गए पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान हनुमाना थाना प्रभारी की गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया। हालांकि मौके से बिरसा मुंडा की मूर्ति को लेकर पुलिस बल भाग निकला है। घटना के बाद पुलिस शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उक्त जमीन पर पहले कुछ गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जो गौशाला निर्माण के लिए खाली कर दिया है। अब उस जमीन में आदिवासियों ने कब्जा जमा रखा है, जिसे पुलिस प्रशासन खाली करवाने पहुंचा था, जहां यह घटना घटित हो गई। बड़ी खबर है रीवा जिले के सायपुर थाना अंतर्गत, जहां देवरा नई दिल्ली गांव में आदिवासियों की झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाने गए पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की गई। आपको बता दें कि इस दौरान हनुमाना थाना प्रभारी की गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया। हालांकि मौके से बिरसा मुंडा की मूर्ति को लेकर पुलिस बल भाग निकला है। घटना के बाद पुलिस शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उक्त जमीन पर पहले कुछ गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जो गौशाला निर्माण के लिए खाली करवा दिया गया। अब उसी जमीन में आदिवासियों ने कब्जा जमा रखा है, जिसे पुलिस प्रशासन खाली करवाने पहुंचा था, जहां यह घटना घटित हो गई। ये थाना सायपुरा का चौकी खटकरी है। चौकी खटकरी का गांव है देवरा, वहाँ पर गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। लैंड है वहाँ टोटल 19 एकड़, जिसमें 13 एकड़ में गौशाला का निर्माण होना है। 5 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ आदिवासियों को पट्टे दिए जाने हैं। इस तरह का SDM के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। इसी उसमें कल जब गौशाला का निर्माण हो रहा था, तो कुछ लोगों ने वहाँ एक बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को रख दिया और बांस वांस से बल्ली वल्ली से पन्नी से उसको वो कर दिया। उसी बात का राज SDM साहब के साथ में पुलिस फोर्स गया था, SDP साहब गए थे, लोगों को समझाइश दी गई। समझाइश के बाद लोगों को द्वारा सहमति दी गई कि हाँ, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की मीटिंग, उस ग्राम सभा में जो लोगों के पास भूमि नहीं उनको पट्टे वितरित किए जाएंगे, ऐसा SDM ने आश्वासन दिया। लोग सहमत होकर उन्होंने मूर्ति को हटाने के लिए अपनी सहमति दे दी। मूर्ति को वहाँ से अभी हटा दिया गया है, और जिन लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, उसमें क्या हुआ है कि जब ये मूर्ति लेके SDM के साथ में पुलिस फोर्स आ रहा था वापस, तो उन्होंने मूर्ति मांगने की जिद करने लगे। पहले ले नहीं रहे थे, फिर उन्होंने जब मूर्ति मांगने लगे तो उन्होंने बोला कि अब आप थाने पे आना, जिन लोगों ने मूर्ति रखी है उनको मूर्ति वापस की जाएगी। इस बर्थ पर किसी व्यक्ति के द्वारा पत्थर मार दिया गया गाड़ी में, जिससे गाड़ी में कांच का थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।